यहाँ पे गलती का 1% स्कोप नहीं है। मैं निकाल दूंगा। फर्स्ट क्रैश, R15 गिर गई, R15 ऐसे लेटी हुई, एमटी ऐसे लेटी हुई। सही है, शगुन होता है यार। साढ़े पाँच बजे के अलार्म को स्नूज करते करते सुबह का 7 बज चुका है और अभी इतनी ज़्यादा ठंड हुई है पर स्लीपिंग बैग से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर रात को जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो पीछे पहाड़ों पर कुछ स्नो दिख रही थी, हमने ISO कम कर करके अपने कैमरा में देखी थी। तो एक मिनट दिखाता हूँ बाहर का व्यू। ये रात को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्लाउड्स दिख रहे हैं वाइट या स्नो है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रतीक हियर और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ देबू के साथ में। भाई हाय बोल दे। हाय। जितने लोग आए हुए ना, एक यही ट्रैकर है और ट्रैकर के हम लोग किस लिए आए हैं, यहाँ पे घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है। घर वाले परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में। शाम को 6 बजे के बाद से कोई भी नेटवर्क नहीं था, रात को 10:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पर जो जन्नत जगह है ना, ये खिलाड़ के पास में हम लोग सिर्फ एक ट्रेल पकड़ के ऊपर आते जा रहे थे और यहाँ पहुँच गए। चले कल हो गया। अरे चिल करो यार, कहाँ जाना है और चिल करते हैं यार, प्लीज रुक जाओ आज। आज रुक जाओ यार, इतनी सही लोकेशन पे आए हैं। रुक सकते हैं हम? अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मस्ती, ये मस्ती, वो मस्ती, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजा भाई, उधर से नीचे से निकलना। ओ बस सुबह से हम यही व्यूज देख रहे हैं पर दिल नहीं भर रहा एकदम, और उसी चक्कर में 12:30 हो गए निकलते। पर ये जगह जो थी, ये आने ही आना था यहाँ पे। फोटोज़ में कुछ भी जस्टिफाई नहीं होता है, वीडियोज़ में कुछ जस्टिफाई नहीं होता है। ये देखो पूरी वैली क्या मस्त दिख रही है। वो हमारी कैंप साइट थी, कैंप साइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम पर मैं डिटेल्स शेयर कर दूँगा। ये सुराल विलेज है, 2-4-5 घर है बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। और ऊपर जहाँ पे थे हम लोग वो लास्ट पॉइंट है, बट दिस प्लेस इज तो जैसी उम्मीद थी एक्चुअली उससे बहुत ही ज़्यादा प्यारी। हमने रात में क्रॉस की थी, बहुत तेज़ फ्लो था, फिर अगली दो बहुत तगड़ी पड़नी है, जो थर्ड है तो वो तो बहुत ही तेज़ है। तो रात तो बहुत तेज़ थी, अभी चेक करते हैं। रुक मैं जाता हूँ, ये सारा रास्ता हम रात में क्रॉस करके गए थे। अभी देख के थोड़ा वो लग रहा है, रात में तो कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ बाइक चलाए जा रहे थे हम लोग। ये आ गई दूसरी वाली, बैठी है
इजी। आ गई तीसरी वाटर क्रॉसिंग। कल रात में एक बार बाइक फंस गई थी तो ओ ओ ओ तो आज मुझे उसका बदला निकालना था इस वाटर क्रॉसिंग से, तो शिखा को बिठा के ही निकाल दी। ये लंबी थी। अभी हम लोग किलाड़ के लिए निकले हैं, तो किलाड़ होते हुए उदयपुर जाना है। किलाड़ टू उदयपुर 3-4 घंटे का रास्ता है वैसे, पर किलाड़ टू उदयपुर में एक दो वाटर क्रॉसिंग्स के बारे में पता लगा ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम पे। मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा है और लोग दो दो दिन से अटके हुए हैं, थोड़ा टाइम से पहुँचना होगा उदयपुर तक। तो ये एक्चुअली किलाड़ किश्तवाड़ वाली जो रोड है उसी पर आके हम लोग कनेक्ट हो गए हैं वापस, जो उन्होंने कल वो चेक पोस्ट के बाद आगे आके धरवास के अराउंड छोड़ दी थी सुराल जाने के लिए। अभी वापस ही वही रोड आ गई है, वो पूरा रास्ता जा रहा है। राइट में अगेन वही 6,000-7,000 फीट डीप चिनाब रिवर। ओ ये स्ट्रेट डेप्थ है जो मैं काफ़ी बार दिखा रहा हूँ कि 7,000 फीट डीप है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती का 1% स्कोप नहीं है। कितना टाइम हुआ? सवा दो। आज की छठी या सातवीं वाटर क्रॉसिंग है ये ना। पता नहीं चल रहा था पर सही गहरी थी, बहुत ज्यादा गहरी थी, मेरा पूरा इधर तक डूब गया था। अच्छा अब तो वाटर क्रॉसिंग नहीं है ना के? यहाँ तक अरे अभी कुछ नहीं पड़ा भाई, ये कुछ नहीं थी, ये कुछ नहीं है। ये पहला ढावा टाइप पड़ा है। क्या चीज? चाउमीन और मोमोज है, क्या लेगा? मोमोज बोल दो, 2 चाउमीन और 3 मोमोज बोल दो। सुबह से निकले हम लोग, तब से रास्ते में एक ढाबा तक नहीं पड़ा है, स्पेशली धरवास से यहाँ तक पूरी रोड पे फिंडरू जगह थी है, किलाड़ के बाद करीब 10-12 किलोमीटर बाद। धूल मिट्टी की हालत देखो बाइक की, भाई साहब नई बाइक तेरी है ये सब क्या है? लग रहा है बोल इससे ज्यादा धूल तुम्हारी दाढ़ी में है। हेलमेट उतार के देखा अभी तो मुंह धो लिया सब धूल हो चुकी है एकदम, चश्मे ने बचा रखी है आंखें एकदम। क्या आगे पढ़ना है? वाटर क्रॉसिंग तो उदयपुर से पहले पढ़नी है, कम से कम 1.5-2 घंटे। Free.
भाई क्या अच्छा लग रहा है। हाँ एक्चुअली मनाली टाइप के व्यूज लग रहे हैं एकदम। ये जंगल ट्रेल मस्त पड़ी है एकदम। थोड़ी सी ठंडक भी हो गई थी, आज इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि सामने पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है पर सब जगह इधर इतनी गर्मी है एंड ऊपर से इस रोड पे इतनी ज्यादा धूल मिट्टी है। ये तो अच्छा है मैं आगे चलता हूँ, कोई मेरे आगे चलता है तो फिर तो मेरे से धूल झेली नहीं जाती। मैं आगे चलता हूँ तो बेचारे पीछे वाले पता नहीं कैसे झेलते रहते हैं। थोड़ी सी पानी की बौछार लगी, कितना अच्छा लगा। जानबूझ के मैंने पानी के बीच से निकाली थी, इतनी गर्मी हो रही है अभी तो। सुबह से 10वीं वाटर क्रॉसिंग पड़ी है ये लोग, कम से कम इस पूरे रास्ते पर वाटर क्रॉसिंग तो आई कोई नहीं, तो इतना बोर रास्ता हो रहा था, सिर्फ धूल खा रहे हैं। नहीं वो पास दे रहा है, आने को बोल रहा है, वो दोनों ट्रक निकाल ले जाएंगे। हाँ रोड मस्त है, लेन है कोई सीन नहीं, जहाँ तक क्लियर दिखता है दौड़ाओ पास में रुको। हाँ हाँ देख क्या मस्त है। ओके पांगी घाटी खत्म हो चुकी है, अब कौन सी घाटी में एंटर कर रहे हैं हम लोग? ये भाई ये अपना पता नहीं बोला पता नहीं भाई सेम ही सी पड़ रही है, पांगी की बहन होगी। देखा दिखा दे रहा उसको, रुक 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 पहचान ही नहीं मैं पहले क्या हुआ है। देख उसको मुंह, उसका मुंह देख, देखो भाई भाग जा भाई, एक और फोटो रुक जा रुक जा नहीं देख भी रहा है, मेरे मेमोरी कार्ड चेंज कर दो। पर अब शाम हो गई तो कम से कम मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, अदरवाइज दिन में इतनी बुरी हालत हो रही थी हम लोग की गर्मी से। देवू का चेहरा यार, मैं पूरे रास्ते कहीं भी बोर होगा मैं देवू का चेहरा याद आ जाएगा। किस जगह देवू का चेहरा पर सच में। तो उदयपुर यहाँ से अभी भी करीब 40 किलोमीटर रह गया है, 5:30 बज गया हम लोग को, और उदयपुर से पहले ही दो जो वाटर क्रॉसिंग्स पड़नी है तगड़ी वाली वो है, वहाँ तक देखो आप कब पहुँचेंगे, बस अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए और क्रॉस कर लें। शूटिंग स्टोन ये ऊपर से बड़ा पहाड़ दिख रहा है टूटा हुआ, यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, थोड़ा देख के संभाल के आराम से। ये देखो ये सब गिरे हुए हैं अभी फ्रेश। फिर ये क्लिफ हैंगर रोड, ये क्लिफ जो ऊपर से हैंग करती रहती है, ये इसी रास्ते में मैक्सिमम पड़ती है, आई डोंट थिंक कि किसी और टेरेन में इतनी क्लिफ्स पड़ती हैं, पहले तो बहुत होती थी अभी तो उतनी नहीं है, पर ये रूट क्लिफ हैंगर रोड के नाम से ही फेमस है क्योंकि इसमें बहुत क्लिफ्स हैं। नहीं वो ब्रिज टूटा नहीं है भाई, वो ब्रिज टूटा हुआ है, पता नहीं।
यही है ठीक है निकालेंगे ठीक है फिर अपनी निकालेंगे अपने क्या करके कोई दिक्कत नहीं। ये है वाटरफॉल वाटर क्रॉसिंग। हाँ मैं निकाल दूंगा निकाल दूंगा निकाल दूंगा निकाल दूंगा मैं ना निकल दी बहुत तेज करंट था इसमें करंट इन सेंस वाटर करंट पर हो गई क्रॉस शाबाश। वो देखो ड्यूक आ गई अपनी निखिल ले 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 कुछ नहीं है ले 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 निकाल दे निकाल दे निकाल दे कुछ नहीं है। हाँ ये तो नदी थी भाई नाले थोड़ी ना तो नहीं मैं गलत जगह चला गया। मेरे को प्रेशर फील हो रहा है बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है जूता लगा। हाँ जूता भाई जूता मुझे ऐसा लगा उतर जाएगा वैसे मैं कहूँ भाई खुद ही जा रही खुद ही। हाँ उसके अलावा मैं निकल के ले आया आराम से यही सबसे गंदा है इसके आगे इतना गंदा कोई नहीं। बस भैया थैंक यू। एक्चुअली अब तक की सबसे खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी कि फ्लो बहुत तेज था। कल रात वाली वही फ्लो बहुत तेज मतलब कि हम लोग को रात हो गई थी पर ये वाली देख के थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बगल में जो ब्रिज था वो टूटा पड़ा हुआ था वाटर फ्लो से इसीलिए इसको पागल नाला बोलते हैं। एक्चुअली ये उदयपुर के पहले वाला पागल नाला है। यहाँ पे अभी दो दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इसलिए ये वाटर क्रॉसिंग दो दिन से बंद थी ऑलमोस्ट कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा था इसे क्रॉस करने का। पर कल और आज कुछ भी बारिश नहीं हुई है इसलिए कम से कम ऐसी कंडीशन थी कि क्रॉस हो जाइए नाले। भाई एक बार क्रॉस करा था तो ये गुफा थी और ऊपर से गुफा के अंदर भी पानी आ रहा होता है। बहुत सही भाई सुन अभी अपनी 7-8 बाइक और आ रही है लेट आ रही हो। ये वॉटरफॉल है क्या सही दिख रहा है। ओ क्या मस्त फुहार है ना फुहारे आ रही हैं। चलो निकाल दो निकाल दो। ओ कम से कम 20वीं वाटर क्रॉसिंग पड़ी होगी है ना। ओ पागल नाला हो सकता है पता नहीं अभी नाम भी समझ में नहीं आ रहा है सारे पागल ही लग रहे हैं वैसे तो मुझे। हाँ यही पागल था वो चढ़ाई में चेजिंग ड्यूक 200।
देवो शिखा निकल तो बोली तुम्हारा कुछ गिर गया, मैं थोड़ा सा गुरूर आर वन फाइव इतनी तेज चेस कर रही है। अरे मैं सोच रहा हूँ भाई आ रहे नहीं आ रहे, नहीं नहीं कोई पर सही में यार एक्चुअली वो देख वहां से क्या क्या मस्त नीचे ग्लेशियर से पानी निकल रहा है ना, क्या मस्त नीचे से पानी निकल रहा है। बर्फ हमेशा पानी नीचे से आता है, बर्फ के याद रखना, आप जितने मर्जी देख लेना। चेजिंग ड्यूक 200 वीडियो पार्ट 2 मैं मेरी आर 15 और शिखा और ये ऑफ रोड टेल। तो उसको बोला भाई रुक जा हमारा वीडियो ले रहा था वो, चलो ये नहीं होगा, ये लगेंगे ना उतना पागल। वही वहीं से आओ ओ, पर ये देखो व्यू, वाटर क्रॉसिंग से एडवेंचर ही चल रहा है आज। क्या बहुत ही सही व्यू लग रहा है, ये नीचे चनाब वैली है, ऊपर सब स्नो क्लैड माउंटेन्स, वाह। वही बोल रहा था एक्चुअली आज फिंडूर के बाद से थोड़ा एडवेंचर स्टार्ट हुआ है, फिंडूर के पहले रख तो ओ रास्ता बहुत ही बोरिंग सा था, सिर्फ खराब सड़क, पर ये तो यार व्यूज हैं। और एडवेंचर तो वाटर क्रॉसिंग का जो अलग लेवल का चल रहा है आज, मैं शायद तो 20 वाटर क्रॉसिंग हम लोग कर चुके होंगे क्रॉस, एंड मेरे को ये रास्ता करके लग रहा है कि शायद पहले जो डिफिकल्टी लेवल किल्लड़ के शौक का होता था वो अब उदयपुर गुलाब बढ़ गया होगा, क्योंकि अगर आप बाय एनी चांस यहाँ पे फंस गए किसी भी रीजन से तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं, ना आगे जाने के आप रहते हो ना पीछे जाने के रहते हो, क्योंकि हर 2 किलोमीटर बाद इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स हैं जो एक्चुअली दोपहर के बाद से फ्लो बहुत तेज़ बढ़ जाता है। तो अगर आप आ रहे हो उस रास्ते पर तो स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग, फिंडूर जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे अराउंड 2 या 2:30 बजे, और लिटरली फिंडूर के बाद से अभी 7:10 हो रहा है, पिछले करीब 5 घंटे से हम लोग लगातार राइड कर रहे हैं इतनी वाटर क्रॉसिंग सर इतनी खराब रोड्स में ऑफ रोड पे, और रास्ते भर कुछ भी नहीं है इस रास्ते को, कोई अकेले करे तो वो मतलब कसम से खतरनाक लेवल का एडवेंचर है। एक सेकेंड, ये क्या है, संपर्क सड़क तिंडी से भुंजड़, भुंजड़ तो हमें नहीं जाना है, तिंडी से तंडी जाना है, तिंडी से, पर क्या प्यारा विलेज लग रहा है ना। अभी एक वाटर क्रॉसिंग तगड़ी वाली और पढ़नी है धंधल पे, ये तो पता नहीं, ये तो एक और दिख रही है मेरे को यहाँ पे धंधल पे, अभी एक भैया जा रहे थे लोकल, उन्होंने बोला 7-8 किलोमीटर आगे है वहाँ पे फ्लो बहुत तेज़ है। हाँ चलो सब साथ में चलेंगे, ना 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 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हो गया। भाई वो धंधल जो पढ़ना है वो वैसे ही है, बोलो उसमें चैनल वैनल पड़े हुए हैं क्रॉस करने के लिए, 8 किलोमीटर है इसलिए फटाफट एकदम बाइक पे देखो। हाँ तंडी तंडी 24 है किधर, क्या लगा हुआ है, तंडी उदयपुर
उदयपुर 24 है। हाँ तो उदयपुर 24 है, उदयपुर से 40 और है, 24 ही और 40 वो धंधा नाला पड़ेगा ना। ठीक है ये कौन सी जगह है, बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा टिंडी है ये, बहुत प्यारी जगह है। चलिए थैंक यू ओके। और दंगल अभी भी 6-7 किलोमीटर आगे रह गया है, दंगल पे होगा दंगल। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को उतरना था, मेरे को उतरना था, मेरे को उतरना था। तू बाइक पकड़ा, तू बाइक पकड़ा। अरुण फाइव भी गिरी है, एम टी भी गिरी है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ रुक जा। फर्स्ट क्रैश, आर1 फाइव गिर गई। अरे गिरी नहीं, मतलब एक पत्थर पर डिसबैलेंस हुई, इधर लेटा दी मैंने हल्की सी। शगुन होता यार। और ये भागा पीछे मुझे पकड़ने को, इसने एमटी लेटा दी, स्टैंड भी लगाया। सुन कैसे लेटी हुई दोनों बाइक, आर1 फाइव ऐसे लेटी हुई, एमटी ऐसे लेटी हुई। खड़े होके आओगे ना, और अगर डिसबैलेंस होता है, मेरे दो बार हुआ पिछले, इससे पिछले वाले में, तो पैर नीचे आएगा, धक्का देगा, ऊपर जाएगा, सीधा बैलेंस बनेगा। मैं दो बार हुआ, आपको वीडियो दिखाऊंगा। हम दोनों खड़े हो जाए भाभी। यार मैं अपना फ्यूचर सोच रहा था, मैं क्या उसको लेके आऊंगा, मेरा तो एडवेंचर नहीं होगा। और फटेगी के पीछे बैठी है भाई, ढंग से चला। चल 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 धंधा लगाते हैं, चलो आठ बज गए होंगे। एक्चुअली वहाँ जहाँ से उसने बोला ना 7-8 किलोमीटर, वहाँ से हम 7 तो आ गए। हाँ बस आने वाली है, पानी शुरू हो गया ना। हाँ यही है, निखिल अगर ये है ना तो एक बार उतर के देखते हैं। पहले सीखो उतरना, पहले डेप्थ देखे उतर के देख ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों फालतू में करना, इन्हें एडवेंचर कर रहे हैं हम। दिक्कत ये है निकाल देंगे, पर ये देख रहे राइट पे अगर फंसी, मैं जस्ट फॉर सेफ्टी कह रहा हूँ, मैं उतरता हूँ ये उतरता है, दो बंदे आ जाएंगे, आप उतरो, दो बंदे लगो भाई वहाँ पे, खड़े होना दो बंदे का जरूरी है। चलो निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, मैं जाता हूँ, रुक जा। चल देवू खड़ा हो वहाँ पे, अरे खड़े हो जा, जस्ट फॉर सेफ्टी खड़े हो जाओ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। करंट बहुत तेज था पर निकल गई। सेंटर में एक यहाँ पे, उधर नहीं है ना, इधर से निकल, इधर से निकल, जितना यहाँ से निकलेगा। मैं इधर से बीच से आ रहा हूँ। अरे चल शिखा को बुला ले, चल आगे तक हाथ पकड़ के चारों उसको क्रॉस कर देते हैं। चलो बस तू वेट कर रहे, बस खड़ा रहे यहाँ पे, ले जा ले जा ले जा, आता जाओ आता जाओ आता जाओ, रुक जा आराम से आराम से, इजी है इजी है इजी है, एक्सलेटर निकाल दे निकाल दे निकाल दे निकाल दे निकाल दे, रुक जा निकाल दे, रुक मत छू मत छू मत छू, एक्सलेटर ले निकाल दे निकाल दे, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, निकाल निकाल दो आराम से, बो रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ नहीं आराम से। हाँ उठो सुन एक्सलेटर ले, रुको रुको
अरे रुक तू, निकलेगी मैं रुक रहे, मैं बोलूँ तो तू असड़े में, तू निकल, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल, स्टार्ट हुई है, ऑन हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, ऑन नहीं, नहीं हो गया, चल जा रहा हूँ। हाँ तू वैसे हट उठा, हाँ हट उठा, बस 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 हट जा, रखी जा, सामने से हट जा, हेलो सीधा कर, हाँ बस 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 निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई। भाई मेरे पैरों की ना हालत खराब हो रही है अब। अनी ठीक है ना बाइक भाई, अब पैर गल रहे एकदम मेरे, मैं और ये जाते हैं ना, तू मेरे तो बच जा, चल चलता हूँ मैं, निकल भाई, यही होगा दंगल, ये तो मेरे निकल गई, ये दंगल असली जंगल था, ये दंगल था, पर एक्चुअली सबसे आराम से शायद R15 सबसे आराम से निकली, मेरी निकली है, ये सबसे आराम से निकली R15 एक जगह में फंसी, ये देखो मेरी फंसी भाई, भाई लाइट जलाओ, एक एक सीक्रेट बताऊं तेरे को, ये पूरा का पूरा लैंड साइड है, देख ध्यान से, ध्यान से देख भाई, निकालो पहाड़ कटा हुआ दोनों, एक ब्रिजों की आवाज फाड़ देती है, उधर पुराने का नाम ही ले रहे, आगे पूछा आगे, कोई नहीं है वहाँ पे, पोस्ट ऑफिस है, रास्ता खत्म, कहाँ से गलत लिया हम लोगों ने, चलो फिर पता नहीं कहाँ से हम लोगों ने गलत टर्न ले लिया है, क्योंकि रोड बेटर होनी थी, रोड बेटर हुई नहीं रही है, पिछले 5-6 किलोमीटर से भी ऐसी ही रोड चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग आगे जा रहे थे, इन लोगों के उसमें ऑफलाइन मैप लगा हुआ था, ओ सॉरी ऑफलाइन मैप नहीं था, पर वो GPS पे तो आया था, GPS ने वो जब उन्होंने ब्रिज लिया उसके बाद से दिखाना बंद कर दिया, और यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर हम लोग इस रास्ते पे ऊपर आ गए, और यहाँ आके पता लगा कि ये गलत रास्ता है, आगे डेड एंड है, पोस्ट ऑफिस है, एडवेंचर ख़त्म ही नहीं हो रहा है आज तो अब शायद हम लोगों ने सही रास्ता ले लिया है, करीब 5 किलोमीटर वापस है, अब ये रास्ता है उदयपुर का, अभी भी 16 किलोमीटर है, अभी तो खतरनाक लग रहा है, ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहा है, तो पूरे पैच पे कहीं रोड नहीं है यार, किलाड़ से लेके अभी तक, और किलाड़ के पहले तो ऑब्वियसली इश्तहरी से लेके, मतलब पूरे रास्ते में कहीं कोई है नहीं बताने वाले के लिए, कहीं पर माइलस्टोन नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, कोई मैप्स नहीं चल रहे हैं, नेटवर्क तो है ही नहीं, भूल ही जाओ, और रोड एकदम हाईवे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देखिए हो गया, एक रबर बैंड किसी के पास पड़ी हो तो यहाँ से यहाँ फंस जाएगी, खत्म हो गया काम, नहीं रुकेगा रबर बैंड, अरे मैं लद्दाख पूरा उसमें भी स्टैंड ही गया था, कुछ नहीं मिला, रबर बैंड लगाया एक बस सिंपल, तभी मेरे पास हमेशा रबर बैंड आगे पड़ी रहती है, पता नहीं किधर चली गई रबर बैंड, वो इसी इमरजेंसी के लिए होती है, रुक जा पहले बांधते हैं, रुको रुको नहीं फंसेगा भाई, फिर अरे बस हो गया, हो गया भाई, ध्यान रखना जब दूसरा पैक, वो एक्सपीरियंस है मेरे को तभी तो जुगाड़ समझ में आया था भयंकर, मैं और शिका फंस गए थे अकेले, रबर बैंड क्लच वो निकाला बाला से, रबर बैंड वो लगा दिया, चल गई उदयपुर, अब बस 4 किलोमीटर रह गया है, और इतनी शिद्दत से मैं अब एक ब्लैक टारमैक देखना चाहता हूँ ना, कहीं कोई थोड़ी सी रोड दिखा दे बस, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाले यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उनको लोग प्रायोरिटी पे 200 पैचेस तो बना दो, 200-200 मीटर के, कहीं कहीं बीच में देख के अच्छा लग जाया करे, ओ माइलस्टोन भाई माइलस्टोन, उदयपुर 5 किलोमीटर, हाँ कुछ छोटा सा गांव है उदयपुर से 2-3 किलोमीटर पहले, और ये 2-4 जो घर दिख रहे हैं मैं बता नहीं सकता, इन घरों को देख के कितना सुकून मिल रहा है ना अभी, और पिछले 50 किलोमीटर से हमें हम लोग जितने लोग चल रहे हैं इनके अलावा ना आते हुए कोई दिखा है ना जाते हुए कोई दिखा है, भाई साहब रोड आ गई भाई, रोड आ गई,
ये पीछे हमारे टेंट्स लगे हुए हैं। सो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट, कमेंट से बताना कैसा लगा, डू शेयर द वीडियो क्योंकि R15 पे खतरनाक एडवेंचर चल रहा है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।